दोस्तों, जानवरों की एक खासियत है, वो कभी किसी पर रहम नहीं करते। और जंगल की दुनिया में ऐसे बहुत से जानवर पाए जाते हैं जो अपने भाई बंधुओं यानी कि अपने ही प्रजाति के जानवरों को अपना भोजन बनाकर हजम कर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है किसी जानवर ने लाइट बल्ब खा लिया हो, या फिर कोई जानवर पूरी की पूरी एंगेजमेंट रिंग को ही हजम कर गया हो? सुनने में चीज जितने आश्चर्यजनक है उतने ही सच भी है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी उल्टी उल्टी सीधी चीजें खाई जिन पर आपको विश्वास तक नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हर रोज देख सकें। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। दोस्तों, जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो रजाई कंबल कुछ भी काम नहीं आता, और जब बात बर्फीले इलाकों की आती है तो वहां पर ठंड का सबसे भयानक रूप देखने को मिलता है। और इस तरह की ठंड से बचने के लिए इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर में जानवर है तो जरा संभल कर, क्योंकि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट आपको गर्माहट देने के साथ साथ आपके पालतू जानवर का खाना भी बन सकता है। जी हाँ, सुनने में आपको भले ही अजीब लगे पर साल 2006 में एक 12 फीट के पाइथन ने इस पूरे ब्लैंकेट को अपने अंदर ले लिया था। हालांकि जिस घर में यह पाइथन पला हुआ था वहां के लोगों ने तुरंत इस पाइथन की हरकतों पर ध्यान दिया, और फिर जब इन्होंने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को गायब पाया तो तुरंत इस बात को समझ गए कि इनकी पालतू पाइथन सांप ने इसे निगल लिया है। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर सांप का ऑपरेशन करके ब्लैंकेट को निकाला गया, वरना $200 के ब्लैंकेट के साथ साथ सांप की भी जान चली जाती। पॉर्क्यूपाइन। वैसे तो फूड चैन में हर जानवर दूसरे जानवर को खाता ही है, लेकिन एक जानवर ऐसा है जिसे खाने से पहले किसी को भी कम से कम 100 बार तो सोच लेना चाहिए, और वो जानवर कोई और नहीं बल्कि पॉर्क्यूपाइन यानी साही है। असल में इनके स्किन इतनी ज्यादा नुकीली है कि कोई चाहकर भी इनके पेट के अंदर नहीं ले सकता। और जो जानवर इन्हें खाते हैं उनका क्या हाल होता है वो आपको 2015 में साही को निगलने वाले पाइथन के रूप में देखने को मिल सकता है। कैसे इस सांप ने जब कांटेदार साही को सभी तकलीफों के बाद भी निगलने की कोशिश की तो उसके कुछ ही घंटों बाद दम घुटने की वजह से इसकी मौत हो गई। और ये बिल्कुल भी पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत से हादसे देखे गए हैं जहां पर जानवर साही के डिफेंस मैकेनिज्म को नजरअंदाज करके इन्हें खाने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। लाइट बल्ब इन गोल्डन रिट्रीवर। इस बात पर हमें तो कोई शक नहीं है कि कुत्ते बहुत ही प्यारे और वफादार होते हैं, लेकिन जनाब कभी कभी ये ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि इन पर प्यार दिखाया जाए या गुस्सा समझ ही नहीं आता। अब जैसे कि आप कोडी नाम के गोल्डन रिट्रीवर डॉग को ले लीजिए, जिसने एक दिन अपने मालिक की गैर मौजूदगी में एक पूरा का पूरा लाइट बल्ब भी निगल लिया। ये तो आप जानते हैं कि कांच का बल्ब शरीर के अंदर जाकर कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है, लेकिन कुत्ते को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो तो अच्छा हुआ जब इसने बल्ब निगला तो अपने दांतों से काटने की कोशिश नहीं की, वरना बात बिगड़ सकती थी। और इसीलिए डॉक्टर ने सफलतापूर्वक कुत्ते के पेट से बल्ब निकालकर उसकी जान बचा ली, वरना एक छोटी सी नादानी एक बहुत बड़ा सबक बन सकती थी। सूट ऑफ आर्मर। वैसे तो जंगल की दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो सामने मौजूद किसी भी चीज को खा सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शार्क का आता है। ये जितने खतरनाक है उतनी ज्यादा भूख इन्हें लगती है और अपना पेट भरने के लिए कुछ भी खा सकती है, फिर चाहे सामने कितना ही बड़ा जानवर क्यों ना आ जाए। और जानवर और इंसान तो बहुत छोटी चीज है। एक बार शार्क ने मेटल से बनकर तैयार हुआ आर्मर सूट ही निगल लिया, क्योंकि 16वीं शताब्दी के एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने जब दुनिया के सामने ये बात रखी थी कि उन्हें शार्क के पेट में आर्मर सूट मिला तो किसी को भी उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। असल में शार्क को सूट देखकर वो कोई इंसान है, इसलिए उसने तुरंत सूट पर झपट्टा मारा, लेकिन उसे जब तक ये पता चला ये इंसान नहीं बल्कि एक सूट है तब तक शार्क उसे अपने पेट के अंदर ले चुकी थी। एंगेजमेंट रिंग। दोस्तों, हमारी सच्ची घटना के बारे में सुनने के बाद इस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2019 को इंग्लैंड में रहने वाले एक मछुआरे ने मछलियां पकड़ते समय एक ऐसी मछली को पकड़ लिया जिसके पेट में और कुछ नहीं बल्कि एक हीरे की अंगूठी थी,
जी हाँ, एक ऐसी रिंग जिसकी कीमत हजारों डॉलर्स की थी, जिसे देखकर ये मछुआरा खुशी से कूदने लगा। और इसकी खुशी का कारण ये नहीं था कि इसे इतनी महंगी रिंग मिल गई, बल्कि ये काफी दिनों से अपनी प्रेमिका को प्रपोज करना चाह रहा था, लेकिन उसके पास अंगूठी खरीदने के पैसे नहीं थे। और खुशकिस्मती से जब उसे ये महंगी वाली डायमंड रिंग मिली, तो उसने बिना एक पल की देरी किए अपनी गर्लफ्रेंड को इसे देकर प्रपोज कर दिया। अब इस कहानी को देखकर तो यही सीख मिलती है कि इंसान अगर सच्चे दिल से कुछ चाहता है, तो पूरी कायनात उसे उस चीज से मिलवाने में लग जाती है। और इस मछुआरे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। $20 bill। दोस्तों, जब बिना मेहनत किए पैसे मिलते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है, फिर चाहे 1,000 रुपए हो या फिर 100 रुपए, फ्री में मिले पैसे भला कौन छोड़ता है। ठीक ऐसे ही जब 2019 में ऑस्ट्रेलिया के एक फिशरमैन को मछली के पेट में $20 का नोट मिला, तो उसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हालांकि नोट बहुत पुराना था, इसलिए उसने मछली के पेट से उसे निकाल कर उसकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसे देखने वालों की लाइन लग गई और हर कोई इस नोट के बारे में जानना चाहता था। ये बात कुछ ही समय में काफी बड़ी लोकल न्यूज बन गई और मात्र $20 के लिए इस नोट को ढूंढने वाला लड़का सेलिब्रिटी बन गया, क्योंकि उसे वो नोट किसी ऐसी वैसी जगह नहीं बल्कि मछली के पेट के अंदर मिला था। और ये बात अपने आप में हैरतअंगेज है। वैसे क्या आपको कभी कहीं पर पैसे मिले? अगर मिले हैं तो कितने मिले हैं, उसके बारे में कमेंट में बताइए ना। सिक्योरिटी बैच। दोस्तों, ये वाला केस तो और भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि 2017 में फिलीपींस के कुछ मछुआरों को पैसिफिक ओशियन में एक बड़ी सी मछली मिली, तो पहले वो लोग उसे देखकर काफी खुश हुए। लेकिन भाई साहब, कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब मछली को बेचने के लिए उसका पेट काटा जाना था, क्योंकि जैसे ही मछली का पेट काटा गया, उसके अंदर एक सिक्योरिटी बैच मिला जो काफी पुराना लग रहा था। और सिक्योरिटी बैच को देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि ये बैच जिसका है उसे विशालकाय मछली ने खाया होगा, क्योंकि बॉडी वगैरह डीकम्पोज होने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन कोई मेटल वाली चीज जानवरों के शरीर में काफी समय तक डिकम्पोज नहीं हो पाती, और शायद यही चीज इस बैच वाले ऑफिसर के साथ भी हुई है। और आज एक मछली के पेट में पाया जाने वाला ये बैच बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री बनकर रह गया। ट्रैश इनसाइड स्पर्म व्हेल। ये तो आप भी जानते हैं कि पानी में रहने वाले जानवरों के पेट से अक्सर कूड़े कचरे निकलते हैं, लेकिन हम इंसान पानी में जो गंदगी फैलाते हैं वो जानवर भूख की वजह से खा लेते हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं, किसी जीव के पेट में 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 202 पाउंड कचरा मौजूद हो। दोस्तों, हम कोई कहानी किस्सा नहीं बता रहे, बल्कि असल में हुआ है। जहां 2019 में एक बीच के किनारे जब स्पर्म व्हेल बहती हुई आई, तो एक्सपर्ट्स ने उस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में तो उसके मरने का कारण बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब उसके पेट को काटा गया तो ये बात सामने आई कि व्हेल के शरीर में बोरी भर के कचरा मौजूद था, और इसी कचरे की वजह से इस व्हेल की मौत भी हुई थी, क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल था जो व्हेल की बॉडी में डीकम्पोज नहीं हो पा रहा था, और धीरे धीरे वही प्लास्टिक मटेरियल व्हेल की मौत का कारण बन गया। और ये पहली बार नहीं था, कई बार ऐसा देखा गया है कि जानवरों के पेट में मौजूद इंसानों द्वारा फेंके गए कचरे की वजह से उनकी मौत हो गई। बारबेक्यू टोंग्स। अब जिस हादसे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही हैरतअंगेज है। जहां ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक सांप के ऑनर आरोन ने अपने पाइथन सांप को जब मरा हुआ चूहा बारबेक्यू टोंग्स यानी कि खाने को पकड़ने वाले चिमटे से खिलाने की कोशिश करते हैं, तो सांप ने चूहे को अपने मुंह से पकड़कर नीचे गिरा दिया और पूरा का पूरा चिमटा ही झटके से मुंह में निगल लिया। अब ऐसा होते देख आरोन घबराने लगे, क्योंकि स्टील का चिमटा सांप के पेट में काफी नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए उन्होंने बिना एक पल की देरी किए तुरंत अपने पालतू सांप को डॉक्टर के पास दिखाया और फिर सांप के पेट की सर्जरी करके उस चिमटे को निकाला गया। लेकिन हाँ, ये हादसा एक सीख देता है कि जानवरों को पालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उनके साथ इस तरह का व्यवहार कब करना चाहिए उनको पता होना चाहिए, वरना आप खुद तो मुसीबत में पड़ेंगी, अपने साथ साथ जानवर को भी खतरे में डाल देंगे, जैसे कि इस आदमी ने डाला था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर हाँ, तो वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताना। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।